और गाइस साथ ही साथ गाड़ी की अंडर बॉडी पर भी मारुति ने काफी बढ़िया काम कर रखा है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी की अंडर भाई मारुति ने जो है नया अपडेट दिया है ना वारंटी का, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपकी गाड़ी लेने के डिसीजन को भी पलट सकता है। अगर आप लोग एक जो यहाँ पर दिक्कत है और वो दिक्कत काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है और हर कोई उसको बोल रहा है लेकिन फिर भी मारुति नहीं सुधार रही है। ओ भाई इसका तो पूरा सेंटर कंसोल हिल रहा है, मतलब ज्यादा कुछ पावर भी लगानी पड़ रही है, बहुत आराम से पूरा का पूरा सेंटर कंसोल हिल रहा है और सेंटर कंसोल के साथ में गाड़ी भी हिल रही है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल, मैं हूँ करण बालियान एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। गाइज आज मेरा व्रत है और खाली पेट मेरे को तीन तीन वीडियो शूट करने हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आज कोई भी भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से गया ना तो भाई बहुत बुरा पाप लगने वाला, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बाय द वे गाइज आज हमारे पास है मारुति सुजुकी फ्रॉन सिग्मा, इसका बेस वैरिएंट। गाइज आज मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि अगर एक अच्छी गाड़ी और एक स्मार्ट कस्टमर एक जगह मिल जाए तो एक साथ मिलकर कितनी अच्छी डील बना सकते हैं। गाइज आई एम फुल्ली इंप्रेस्ड विद द कस्टमर जिन्होंने एक गाड़ी अपने लिए तैयार करवाई है खुद शोरूम से, मतलब देख के लग ही नहीं रहा है कि इसका बेस मॉडल है और इन्होंने इतने स्मार्टली इस गाड़ी को तैयार करवाया, मतलब कम से कम प्राइस में इन्होंने बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी फील ले ली है। अभी आप लोग इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हो, अगर देख के आपको कहीं से लग ही नहीं रहा होगा कि इस गाड़ी का बेस मॉडल है। एक तो गाड़ी पहले से इतनी अच्छी है और ऊपर से कस्टमर ने काम भी इतना ज्यादा स्मार्टली करवाया है। अब वो चीज हम लोग पहले साइड में रखते हैं। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मारुति ने चुपचाप अपनी गाड़ी में कुछ अपडेट कर दिया है, अपने वारंटी पैकेज में इन्होंने कुछ बदलाव करे हैं जो कि लिटरली अभी तक किसी ने भी आप लोगों को नहीं बताए होंगे। तो भी हम अपनी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कितनी वारंटी बढ़ाई है या फिर घटाई है मारुति ने। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के, लेकिन भाई सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप लोग भी कोई नेक्सा की एक अच्छी सी गाड़ी लेकर और उसको काफी रीजनेबल प्राइस पर शोरूम से ही रेडी करवाना चाहते हो तो मारुति सुजुकी नेक्सा मुजफ्फरनगर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गो एंड कॉन्टैक्ट द शोरूम, यहाँ से आपको अपनी गाड़ी एकदम रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आप लोग एक बार गाड़ी की देखो, यहाँ पे बेस वेरिएंट से आपको रिमोट सेंट्रल लुकिंग मिल रही है, हालांकि कोई फ्लिप की या कोई मॉडर्न सी की नहीं है जैसी आपको पिछले 10-12 साल से मिल रही है मारुति, वही सेम की आपको हमें मिलेगी। अपर वेरिएंट्स में आपको वो रिमोट की अलग टाइप की थोड़ी सी मिल जाएगी। और अब अगर हम बात करें गाड़ी के प्राइस के बारे में तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 7.5 लाख रुपीज़ और ये इसका बेस मॉडल का प्राइस है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। और गाइस बिलीव मी, इस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आप लोगों के लिए बेस्ट डील बन सकती है, स्पेशली अब जब मारुति ने अपने वारंटी पैकेज में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, गाड़ी के ग्रिल पर एक छोटी सी आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल रही है और ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ही वे होते हैं जो कि गाड़ी के लुक्स को इन्हेंस करते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा ये क्रोम का एलिमेंट। वैसे भाई ये गाड़ी एसेसराइज है, इसमें बहुत थोड़ी एसेसरीज लगी हुई है लेकिन वो थोड़ी एसेसरीज के बाद भी इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है, वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपनी गाड़ी स्मार्टली कैसे तैयार करवा सकते हो। अब गाइस गाड़ी का हेडलाइट सेटअप आपको हैलोजन ही मिल रहा है, हैलोजन प्रोजेक्टर है, ऊपर हैलोजन टर्न सिग्नल्स है, एक पायलट लैंप भी है छोटा सा, टोटली आपको हैलोजन में मिल रही है सारी चीज़। बम्पर पर आपको नीचे की साइड में थोड़ी सी ग्रे फिनिश भी मिल रही है और ग्रिल तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दी है। और गाइस जब अगर हम बात करें कार की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर भी कस्टमर ने काफ़ी स्मार्ट काम करवाया है एसेसरीज के साथ में। अगर आप लोग गाड़ी के डोर हैंडल देखो तो यहाँ पर भी भाई ये क्रोम के कवर से लगवा दिए गए हैं। अगर आप स्टॉक कंडीशन में देखोगे तो वहाँ पर ये डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक मिलेगी जैसा कि ORVM है और जो कि मेरे को बिल्कुल भी ठीक से नहीं लगते हैं। और यहाँ पे क्लाइडिंग पर भी एक ये जो अलग सा पार्ट दिख रहा है ये भी भाई एसेसरीज का ही पार्ट है। व्हील कैप तो आपको मिल जाएगी भाई गाड़ी के बेस मॉडल के साथ में भी। और यहाँ पे अगर आप लोग डोर्स पे देखते हो तो यहाँ पर भी भाई जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना ये पूरा भाई एसेसरीज का पार्ट है और देखने में काफ़ी सही सा लग रहा है, मतलब इसको देख कर ना बड़ी मैच्योर सी कार वाली फील आ रही है, कहीं से भी कुछ अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा है। और गाइस मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अलॉय व्हील्स की बात जरूर आई होगी। अब गाइस देखो अगर आप लोग अब से 6-7 साल पहले देखोगे तो वहाँ पर रोड पर ऑलमोस्ट 60% कार्स आपको स्टील रिम्स के साथ में ही दिख जाएगी। और अगर हम स्पेशली इस गाड़ी की बात करें तो इसके जो ये व्हील कवर्स है ना इनकी भाई लुक्स काफ़ी ज़्यादा मैच्योर सी है, मतलब कोई कमी ऐसी फील नहीं हो रही है और ये चीज़ मैंने खासकर इसी गाड़ी में नोटिस की है। बाकी चाहिए आप कोई सी भी गाड़ी देख लेना, वहाँ पे स्टील रिम्स के ऊपर चाहिए आप कैसे भी व्हील कैप लगा लो तो अलॉय व्हील्स की कमी फील होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मैच्योर सा इसका डिज़ाइन निकल के आ रहा है। बाकी ऊपर आपको मैट ब्लैक कलर की रूफ रेल्स भी मिल रही है। गाइस जब हम चलते हैं कार की रियर प्रोफाइल की तरफ, बाकी इसकी ये वाली शेप जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी अच्छी लगती है। सबसे पहले मैं आपको इसका बूट खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इतना आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है और ये पार्ट्स रखे हुए हैं क्योंकि गाड़ी भाई मैंने आपको दिखाया था कि एसेसरीज है, अंदर ही इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज लगी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी भाई यहाँ पे आपको डिफोगर मिल रही है, हाई माउंट स्टॉप लैंप और जो कि मैंने आपको दिखाया था कि बेस मॉडल से ही आपको साकफिन एंटीना में मिल रहा है और ये एसेसरी का पार्ट नहीं है भाई, आपको स्टॉक गाड़ी में भी मिल ही जाएगा। बाकी भाई अगर हम लोग टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल्ली LED टेल लैंप सेटअप मिल रहा है, हालांकि ये कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड आपको सिर्फ अपर वेरिएंट में मिलेगा। और इसकी जो रिवर्स गियर की लाइट है ना वो भाई व्हाइट कलर की है और मतलब देखने में अलग ही फील देती है,
फोर पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर है नीचे, बम्पर भी भाई मारुति ने यहाँ पे एक अच्छा काम कर दिया इस बार। पहले ये लोग ना बिल्कुल मैट ब्लैक से बम्पर दे देते थे जो कि देखने में काफ़ी खराब खराब से लगते थे, लेकिन इस बार भाई यहाँ पे एक ग्रेसी फिनिश करके दी है जिसकी वजह से लुक्स गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो चुकी है। तो यही वे पार्ट्स है इस गाड़ी के जहाँ पर ये गाड़ी बेस मॉडल होने के बाद भी एक टॉप मॉडल जैसी फील देती है। अब गाइस मैं आपको गाड़ी के एक्सटीरियर में एक और स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। हम लोग सभी कार्स में देखते हैं कि फ्रंट टायर के पास की पूरी मेटल बॉडी प्लास्टिक से कवर मिलती है और ये तो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में मिलती है, लेकिन यहाँ पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट से ही गाड़ी के रियर टायर के पास की भी पूरी मेटल बॉडी आपको प्लास्टिक से कवर मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है आजकल मारुति, ये अपनी स्विफ्ट में भी ये वाला अपडेट दे चुके हैं। मतलब टाइम के साथ साथ मारुति भाई काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है, जो जो चीज़ें लोग आजकल नोटिस करने लगे हैं ना उन सभी चीज़ों पर मारुति काम कर रही है। और गाइस साथ ही साथ गाड़ी की अंडर बॉडी पर भी मारुति ने काफ़ी बढ़िया काम कर रखा है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी की अंडर बॉडी का आधा पोर्शन भी प्रॉपर प्लास्टिक से कवर है। तो यहाँ पर भी भाई मारुति के लिए बिग थम्स अप। अब हम एक बार गाड़ी का इंजन देख लेते हैं और फिर मैं आपको गाड़ी के वारंटी के बारे में बताता हूँ कि वारंटी में यहाँ पे मारुति ने क्या चेंजेस करे हैं। पहले मैं इसका हुड ओपन कर लूँ। सो गाइस ये है मारुति का फेमस 1.2 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। गाड़ी की चाहे आप पावर की बात करो, माइलेज की बात करो, परफॉर्मेंस की, रिलायबिलिटी की, रिफाइनमेंट की, हर एस्पेक्ट में गाड़ी भाई आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। 89 bhp की पावर है, 113 Nm का टॉर्क है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है यहाँ पे इंजन वाइज। और अब अगर हम बात करें गाड़ी के वारंटी पीरियड की, तो पहले हर कोई जानता था भाई मारुति अपनी गाड़ी के साथ में सिर्फ 2 ईयर का वारंटी पैकेज देती थी। हालांकि आप लोग उसको एक्सटेंडेड वारंटी बढ़वा सकते थे, लेकिन गाइज अगर आप लोग एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल का वारंटी पैकेज मिलता था। वहीं पर जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो टोयोटा की टाइजर, एट द एंड गाड़ी तो ये बिल्कुल सेम ही है, लेकिन वहां पर आपको 3 साल की वारंटी मिल रही थी। तो लोग बोलते थे कि गाड़ी तो मारुति की है लेकिन भरोसा उस पर टोयोटा ज्यादा दिखा रही है, लेकिन अब भाई मारुति ने लोगों की सुन ली है। मारुति ने अब अपनी सभी गाड़ियों के साथ में 3 साल की वारंटी देना शुरू कर दिया है, वो भी बिना कोई प्राइस बढ़ाए हुए। तो भाई मारुति ने जो नया अपडेट दिया है ना वारंटी का, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपकी गाड़ी लेने के डिसीजन को भी पलट सकता है। अगर आप लोग पहले टाइजर लेने जा रहे थे तो अब भाई आप लोग आंख बंद करके मारुति फ्रॉन्क्स की तरफ आ सकते हो, क्योंकि सेम प्राइस पर आपको वारंटी बढ़ के मिल रही है। अब गाइस बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं सीधा गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग ड्राइवर साइड का डोर ट्रिम देखो, तो यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिल रही है बेस मॉडल से, और ड्राइवर साइड की ऑटो अप डाउन के साथ में मिल रही है। और एक और अच्छी चीज है, यहाँ पे आपको फैब्रिक के साथ में थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है। मैट ब्लैक डोर हैंडल है, बोतल होल्डर है, स्पीकर के लिए जगह है, लेकिन स्पीकर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको एक्सेसरीज में लगवाने पड़ेंगे। अब अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिल रही है, ये एक सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं। अब भाई आप लोगों को यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ दिख रहा होगा, तो ये भाई एसेसरी का पार्ट है, इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बार इग्निशन ऑन कर लूँ, तो भाई ये लगाई मैंने चाबी। और भाई खाली पेट ना बोलने में बहुत दिक्कत सी हो रही है, मतलब भूख लगी हुई है एक, तो ऊपर से बोलना पड़ रहा है, तो एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी है। खैर फिर भी हम लोगों को भाई वीडियो तो बनानी है, हम लोग काम की बात करते हैं। ये भाई यहाँ पे लगा हुआ है एंड्रॉइड सिस्टम इस गाड़ी में, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आप लोग भी ऐसी एसेसरीज बहुत रीजनेबल प्राइस पर लगवाना चाहते हो तो भाई मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है शोरूम की, जाओ वहाँ से कॉन्टैक्ट करो, आपको अच्छे खासे प्राइस पर आपकी एसेसरीज लग के मिल जाएगी। बाकी अगर हम लोग बात करें गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर है, 220 की टॉप स्पीड के साथ, बीच में एक एमआईडी है जिसमें आपको जरूरत की सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। अब एक जो यहां पर दिक्कत है, और वो दिक्कत काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है और हर कोई उसको बोल रहा है लेकिन फिर भी मारुति नहीं सुधार रही है, वो है भाई इसकी नीडल्स। इस MID को एडजस्ट करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए आपको इन नीडल से यूज़ में लेना पड़ेगा, चाहे आप बेस मॉडल लो चाहे आप टॉप मॉडल लो, आपको यहीं से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। और सभी कंपनीज यहाँ पे बाइक कंट्रोल देती है इसके लिए, लेकिन मारुति अभी तक भी इन्हीं के साथ खेल रहा है, पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। खैर भाई यहाँ पे आप लोगों को ऑटो स्टार्ट स्टॉप और ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेजर, सारी चीज़ें मिल रही है। नीचे भाई तीनों ABC पैडल के साथ साथ में एक डैड पैडल भी मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी भाई गाड़ी का डैशबोर्ड का लेआउट कुछ ऐसा है जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको पूरी 4 टोन मिल रही है यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4, 4 अलग अलग कलर का यूज़ है भाई इसके डैशबोर्ड में। AC की यूनिट देखो यार, कितनी सही AC की यूनिट है, ये मैनुअल है भाई लेकिन देखने में कितनी सही लग रही है ना, और ऊपर से ये बेस मॉडल में मिल रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नीचे एक 12 वोल्ट का आउटपुट सॉकेट भी है, कोई USB वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी सी जगह मोबाइल रखने के लिए। 2 कप होल्डर्स है। ये भाई गाड़ी की गियर नॉब जो कि आपको फील दे रही है बेस मॉडल वाली। कुछ कार्स में हम आजकल देखने लगे हैं कि वहाँ पर भाई गियर नॉब भी एकदम बढ़िया ही लग के आती है, जैसे कि हम मारुति की ही देखें तो भाई ब्रेजा में कितनी बढ़िया गियर नॉब है बेस मॉडल में ही। बाकी भाई गाड़ी का सेंटर कंसोल कुछ ऐसा दिखता है, हैंड ब्रेक मैट ब्लैक कलर का है, टिप भी भाई इसकी मैट ब्लैक ही है, तो ये थोड़ा बेटर हो सकता था यहाँ पे। यहाँ पे भाई थोड़ी जगह है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था, ये कुछ कॉस्ट कटिंग कर रखी है यहाँ पे मारुति ने। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे भी कुछ नहीं है,
और यहाँ पे भी कोई केबिल लैंप वगैरह नहीं है, और गाड़ी का आई आर एम आपको मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ मिल रहा है। थैंक गॉड ये एडजस्टमेंट तो मारुति ने दे ही दी। ग्लव बॉक्स भाई बहुत ही मतलब ठीक ठीक से साइज़ का ही है, कोई कूल्ड या इल्यूमिनेटेड यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, साइज़ भी ठीक ठीक से है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हम चलते हैं गाड़ी की पीछे की साइड में, वहाँ पर जाकर आपको कम्फर्ट दिखाता हूँ कि कम्फर्ट कैसा है पीछे के पैसेंजर्स के लिए। सो गाइस ये अगली सीट मैंने एडजस्ट कर रखी है अपनी हाइट के हिसाब से। अब आप लोग एक बार यहाँ पे लेग रूम देखो, मतलब नी रूम, कितना सारा नी रूम है, कितना सारा लेग रूम मिल रहा है। स्पेस वाइज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और आप अंडर थाई सपोर्ट भी देख सकते हो, मतलब ठीक ठीक है। देखने में शायद आपको इतना ठीक ना लगे, लेकिन मेरे को बैठ के अच्छा खासा यहाँ पे कंफर्ट मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ी जगह है, एसी वेंट आपको नहीं मिलेगा रियर पैसेंजर्स के लिए, 12 वोल्ट का आउटपुट सॉकेट जरूर मिल जाएगा। ये थोड़ी ही जगह है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और आप लोग ये देखो, ओ भाई इसका तो पूरा सेंटर कौनसोल हिल रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ पावर भी लगानी पड़ रही है, बहुत आराम से ये पूरा का पूरा सेंटर कौनसोल हिल रहा है, और सेंटर कौनसोल के साथ में गाड़ी भी हिल रही है। तो भाई मारुति क्वालिटी पे थोड़ा सा काम करो भाई। भाई मैंने पीछे की साइड का डोर ट्रिम आपको नहीं दिखा, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है, पावर विंडो कंट्रोल भी है, और बोतल होल्डर भी है, और स्पीकर के लिए भी जगह मिल रही है, तो ये भाई अच्छी चीज़ है। बाकी भाई गाड़ी के ग्रैब हैंडल्स जो है वो सॉफ्ट क्लोज के साथ में मिल रही है, साथ में एक हुक भी मिल रहा है, और पीछे की साइड में आपको तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। सेंटर पैसेंजर के लिए भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कोई आर्मरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब ठीक है भाई, बेस मॉडल है इतना तो भाई चलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि तीन एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल रही है। और अगर मैं आपको एक बार गाड़ी का हेडरूम दिखाऊँ तो भाई कुछ इतना गाड़ी का हेडरूम भी है। मेरी हाइट तो भाई 6 फीट है, मेरे को कुछ इतना हेडरूम मिल रहा है जो कि ठीक ठीक ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को नहीं होने वाली है। हाँ अगर मैं ऐसे उछल कूद करूँ तो मेरा सिर ऊपर लग सकता है, लेकिन वैसे भाई मेरे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और भाई गर्मी में हालत ख़राब हो रही है, ऊपर से खाली पेट हूँ। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं तो भाई पाप लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और एक बार आप लोग पीछे से भी लुक देख लो गाड़ी के डैशबोर्ड की, अच्छी लग रही है यार, मॉडर्न सी लुक निकल के आ रही है काफ़ी। और ये इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है एंड्रॉइड है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ठीक ठीक सा लग रहा है, कोई कमी मेरे को यहाँ पे ऐसी फील नहीं हो रही है इस गाड़ी में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कंटेंट थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।